ये जलाशय से पहले जो हम लोगों का जीवन में शांति थी वो सही थी, आज तो जलाशय बनने के बाद हमारे जीवन बहुत दुखी हो गए। चिखलदा तहसील कुक्सी जिलाधार, इस गांव के 35 परिवार नर्मदा के ऊपर मच्छीमार और नर्मदा के पास में जो बालू की खेती थी वहां पर खरबूजे लगाकर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन इस नर्मदा के ऊपर सरदार सरोवर बांध बनाने की वजह से उनके खरबूजा वाली खेती डूब चुकी। पानी का बहाव कम हो गया है, नदी नाले नहीं आते और डैम का जो पानी रुक चुका है, इस कारण मछली ब्रीडिंग नहीं होती, क्योंकि मछली ब्रीडिंग होने के लिए मछली को कोदरे नाले में चलने के लिए ताकत लगना चाहिए, तभी मछली ब्रीडिंग होगी, और नहीं तो मछली अंडे गाड़ देगी, वो बच्चा नहीं दे सकेगी। अभी इसमें मछली इतनी कम हो गई है, जो मछली होती थी बहुत नी के बराबर हो गई। यदि अगर गवर्नमेंट ने मछली नहीं डाली तो मछली नर्मदा में मिलना बंद हो जाएगी। अच्छा भला हमारा जीवन जो मछुआरों का जो था वो एक हमारा जीवन नरक बन गया। अभी आप कैसा जीवन निर्भर करते हैं? अभी तो जीवन बहुत मुश्किल से चला रहे हैं, किलो या आधा किलो मछली मार के लाना या बच्चे कुछ मजदूरी जाना, जैसा तैसा करके अपना जीवन और अपना पेट भर रहे हैं। अभी तो हमारी यही मांग है कि हमको जलाशय पे हक दिया जाए, हमारी सोसाइटियाँ बनी दी जाए, और जो हमारी रेत तल की खरबूजों की जो खेती है इसका हमको ज़मीन के बदले ज़मीन दिया जाए, उसका कुछ मुआवजा दिया जाए, हम तो यही चाहते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सरदार सरोवर के विस्थापितों को जो सोसाइटी बनी उनको जलाशय पे अधिकार दिया, उनको बोटे दी, उनको जाले दी, उनको फ्रीजर वाली गाड़ी भी दी। वैसा ही लाभ मध्य प्रदेश में भी हमारे समुदाय को मिलना चाहिए, ऐसे हमारे समुदाय की मांग है। 2009 में इन्होंने पंजीकरण के लिए फाइल देखी लेकिन अभी तक हुई नहीं। मेरा वीडियो देखने वालों को यही अपील करना चाहता हूँ, नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके दबाव लाए, जिनका पता है प्रमुख सचिव मत्स्य पालन विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल, जिनका फ़ोन नंबर है 0755-276-75-69। मैं चेतन सालवे और ये मेरा समुदाय ग्राम चिखलदा तहसील कुक्सी जिला धार मध्य प्रदेश से इंडिया 100 के लिए।